नाउ जो हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्म्स की थी, सिक्स फॉर्म की थी सर्कल, सो आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 1, 1/2, 1/4 एंड रेडियस इज 1/12। यहाँ पे हमें सेंटर 1/2, 1/4 गिवन है और रेडियस हमें कितनी गिवन है, 1/12। तो जो हमने सेंट्रल फॉर्म की थी x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस y माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, तो यहाँ पे दिस इज द वैल्यू ऑफ h, दिस इज द वैल्यू ऑफ k एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ r। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x माइनस 1/2 होल स्क्वेयर, y माइनस 1/4 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/12 स्क्वेयर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। सो ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, सर्कल की इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रान ऑन द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12 बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज ए डायमीटर। और यहां पे हमें क्या गिवन है, जो इंटरसेप्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो हमारे पास क्या है, डायमीटर। मींस हमें डायमीटर फॉर्म गिवन है, तो डायमीटर के एंड, अब सबसे पहले डायमीटर के एंड फाइंड करेंगे, 3x + 4y इज इक्वल टू 12, सॉरी 3x - 4y इज इक्वल टू 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x/4 + y/-3 इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू क्या आ गई, -3। मीन्स a की वैल्यू 4, 1, 2, 3, 4 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3। तो मीन्स जो सर्कल है हमारा 0, -3 एंड 4, 0 से पास कर रहा है और इसको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इसको एज ए डायमीटर हमने क्या करना है, डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रा करना है। सो इट मीन्स ये जो टू पॉइंट्स है हमारे पास ये क्या है, डायमीटर्स के एंड। तो जैसा कि हमने किया था, दिस इज x1 y1 x2 y2, तो डायमीटर फॉर्म की थी तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x-x1 × x-x2 + y-y1 × y-y2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। लेकिन अगर हमें ये गिवन होता कि सर्कल की इक्वेशन फाइंड करो ऑन द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन एंड पासिस थ्रू ओरिजन, तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था, इंटरसेप्ट फॉर्म की थी एंड पास, अगर कोई सर्कल पासिस थ्रू ओरिजन एंड मेक्स द इंटरसेप्ट ए एंड बी, देन उस इक्वेशन की सर्कल क्या थी, x²-ax + y²-by इज इक्वल टू 0। अगर अगर सर्कल 0, 0 से भी पास करेगा और इंटरसेप्ट 4 और -3 होंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे हमें क्या था, हमने क्या किया था, इस लाइन को क्या माना था, एज ए डायमीटर, जो इंटरसेप्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन थी उसको डायमीटर मान के हमने सर्कल ड्रा किया, उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी थी। अब ये सर्कल 0, 0 से पास कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हूज सेंटर इज 2, -3 एंड विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 3x - 2y इज इक्वल टू 1 एंड 4x + y इज इक्वल टू 27। अब सर्कल का हमें सेंटर भी गिवन है लेकिन रेडियस गिवन नहीं है। लेकिन हमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे दी कि जो सर्कल है वो पास करता है इन दोनों की इंटरसेक्शन पॉइंट से। सेंटर तो हमें दे दिया, 2, -3।
अब सबसे पहले आप क्या करना है, हमें इन दोनों पॉइंट्स को सॉल्व करना है, इन दोनों लाइंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 5.7। तो आप जैसे भी आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, लोअर क्लासेस में आपने इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, तो सॉल्व करने के बाद कोई भी मेथड लगाओ, सॉल्व करने के बाद हमारे पास पॉइंट क्या आ गया 5.7। अब सर्कल है, सर्कल का सेंटर 2.3 है एंड इट इज गिवन दैट के सर्कल जो हमारे पास है वो 5.7 से पास कर रहा है। सॉरी स्टूडेंट्स, लेकिन मेरी थोड़ी सी ड्राइंग वीक है, ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर सर्कल नहीं बन सकता। ये 5.7 कहां से आया, दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से। ये 5.7 क्या है, दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। सर्कल का सेंटर गिवन है, अब हमने क्या फाइंड करना है, रेडियस। तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे इसकी, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो रेडियस क्या आ जाएगा हमारे पास, 5-2 होल स्क्वायर प्लस 7-3 होल स्क्वायर। तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9 प्लस, यहां पे सॉरी सेंटर हमें क्या गिवन है, -3। तो यहां पे -3 किया तो -7+3 10 का होल स्क्वायर 100, 100+9 109 का क्या आ गया स्क्वायर रूट। तो रेडियस भी अब हमारे पास आ गई, एच और के की वैल्यू भी हमारे पास, एच की वैल्यू 2 है और के की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3। तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी x-2 होल स्क्वायर प्लस y-3 इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। सो दिस विल बी दी इक्वेशन ऑफ सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं, जिन सर्कल्स का सेंटर सेम हो। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं, जिन सर्कल्स का सेंटर सेम हो। तो हमने इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका सेंटर तो सेम, जो इस सर्कल का सेंटर है वही इस सर्कल का सेंटर आएगा। अब क्या रह गया हमारे पास, रेडियस विद द सर्कल। सेंटर तो ये वाला चल जाएगा, लेकिन उस सर्कल का क्या हो, डबल ऑफ इट्स एरिया, जो एरिया क्या हो रिक्वायर्ड सर्कल का, इस सर्कल के एरिया के डबल हो। तो सबसे पहले हम इस सर्कल का सेंटर फाइंड करेंगे। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x² + y² 2 से डिवाइड करेंगे, -3x + 4y + 1/2 = 0। कंपेयर करेंगे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 के साथ। तो इस सर्कल का सेंटर क्या होता है, -g, -f। तो इस सर्कल का हमारे पास सेंटर क्या आ जाएगा, 3/2, -2। और c की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो इस सर्कल का सेंटर तो ये वाला आ गया सेंटर, और रेडियस हमारे पास क्या आ गया, रेडियस ऑफ गिवन सर्कल इज इक्वल टू इसका स्क्वायर g² 9/4 + 4 - c। तो इस सर्कल का जो रेडियस आ जाएगा वो आ जाएगा √23/2। अब जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर तो ये वाला है, लेकिन उसकी हमने फाइंड करनी है रेडियस। और हमें जो गिवन है वो क्या है कि एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू 2 times एरिया ऑफ गिवन सर्कल। अब रिक्वायर्ड सर्कल के रेडियस को हम कैपिटल आर लेट कर लेते हैं, तो कैपिटल या आप स्मॉल आर ही लेट कर लो, π r² उसका रेडियस एरिया आ जाएगा, 2 times इसका एरिया कितना आ जाएगा, π r² √23/2 होल स्क्वायर।
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 23/2। अब जो हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर क्या आ गया 3/2, -2, और जो उसकी रेडियस है 23/2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगी, x -3/2² y+2² = 23/2². नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। हमने एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है और कंसेंट्रिक विद द सर्कल। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस सर्कल का सेंटर फाइंड करेंगे। तो ये जो सर्कल है हमारे पास x² + y² - 4x - 6y - 9/2 = 0। तो इस सर्कल का सेंटर क्या आ जाएगा, 2, 3। सो 2, 3 इसका सेंटर आ गया। तो जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर क्या है, उसका सेंटर क्या है, 2, 3। और ये जो सर्कल रिक्वायर्ड सर्कल है ये किससे पास करता है, इस सर्कल के सेंटर से। मीन्स अब इसका सेंटर की बात करें दैट विल बी -4, -5। तो मीन्स ये जो सर्कल है हमारे पास, ये जो C1 सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर से रिक्वायर्ड सर्कल पास कर रहा है। मीन्स वो जो सर्कल है हमारे पास, जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो किससे पास कर रहा है, -4, -5 से। अब जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर तो हमें पता है, x -2² सेंटर तो 2, 3 है, तो y -3² = अब बात रही रेडियस की, तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला इस पे लगा देंगे तो डिस्टेंस फार्मूला से क्या आ जाएगा हमारे पास, 2+4² + 3+5². तो यहां पे r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 2, -6, 6, 4 and -3, 1। हमने एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 2, -6, 6, 4 and -3, 1। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू 2, -6, 6, 4 and -3, 1। मीन्स हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है विच पासिस थ्रू दीज थ्री पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म सर्कल की कंसीडर करेंगे, x² + 2gx + 2fy + c = 0। लेट दिस बी दी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दी रिक्वायर्ड सर्कल। तो सबसे पहले उसमें ये, बिकॉज ये वाला सर्कल इस पॉइंट से पास करता है, तो यहां पे पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी 4g - 12f + c = -40। सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, फिर उसके बाद ये वाला सर्कल इस पॉइंट से भी पास करता है, तो उसके बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 12g + 8f + c = -52। फिर दिस सर्कल आल्सो पासिस थ्रू दिस पॉइंट, तो इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -6g + 2f + c = -10। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है तो मैं डायरेक्टली इसको यहां पे इक्वेशन लिख रहा हूं। अब आपने क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है।
सॉल्व करने के बाद हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी -32/13, एफ की वैल्यू आ जाएगी 5/13 और सी की वैल्यू आ जाएगी -332/13। तो 1/1 एफ जी और सी की वैल्यू यहां पे गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी 13x² + 13y² - 64x + 10y - 332 = 0। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट दीज पॉइंट्स 1, -6, 5, 2, 7, 0 and -1, -4 आर दी कॉन्साइक्लिक। हमने प्रूव क्या करना है कि ये जो चार पॉइंट्स है कॉन्साइक्लिक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी तीन पॉइंट कंसिडर करो, कोई भी तीन पॉइंट कंसिडर करके आपने क्या प्रूव करना है, एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू थ्री पॉइंट्स। ठीक है, मींस हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव तो हमने ये करना है कि ये ए बी सी डी ये चारों को चारों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, एक सर्कल पे लाई करते हैं। तो डी की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे विच पासिस थ्रू दीज थ्री पॉइंट। तो जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म कंसिडर करेंगे सर्कल की, 2fy + c = 0। तो 1/1 ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद 1/1 हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2g - 12f + c = -37। सेकेंड पॉइंट जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी 10g + 4f + c = -29। थर्ड पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने के बाद 4g + 14g + c = -49। अब हमने क्या करना है, ये तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ गई, जी की वैल्यू आ गई -3, एफ की वैल्यू आ गई 2 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -7। अब इसको गिवन इक्वेशन सर्कल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास आ जाएगी x² + y² - 6x + 4y - 7 = 0। तो ये तो हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड की विच पासिस थ्रू दीज थ्री पॉइंट्स। अब हमने ये भी प्रूव करना है कि फोर्थ पॉइंट जो है इस सर्कल पे लाई कर रहा है। तो अब आपने क्या करना है, डी पॉइंट को इस सर्कल में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो डी पॉइंट जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 का होल स्क्वायर - 4 का होल स्क्वायर - 1 4 - -7 = 0, 1 + 16 + 6 - 16 - 7 = 0। तो हमारे पास 0 = 0 आ गया विच इज ट्रू। तो इट मींस ये जो लास्ट पॉइंट डी है हमारे पास, इट लाइज ऑन दी सर्कल, तो सर्कल पे लाई कर रहा है, इट मींस ये जो चार पॉइंट्स हैं हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉन्साइक्लिक। अगर ये फोर्थ पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता थर्ड इस सर्कल को, देन फिर हम बोलते हैं कि ये पॉइंट्स क्या है, कॉन्साइक्लिक नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 10 and 20, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज कंस्ट्रक्टेड हुज वर्टेक्स लाई इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। मींस जो वर्टेक्स है इसका, दो वर्टेक्स तो हमारे पास ये गिवन है और थर्ड जो वर्टेक्स है कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स विच आर ड्रॉन ऑन द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एज ए डायमीटर। तो यहां पे एक तो पॉइंट हमारे पास 1, 1, 0 है और दूसरा पॉइंट हमारे पास दूसरा वर्टेक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल का 2, 0 है। अगर तो हमें सिर्फ यही पूछा होता
के इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करो जिसका डायमीटर डायमीटर क्या हो साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो हम इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं इसको डायमीटर के एंड मान के, लेकिन हमने इक्वेशंस ऑफ सर्कल फाइंड करनी है तीनों साइड्स को, ट्रायंगल की तीनों साइड को हमने डायमीटर कंसीडर करना है। मींस तीन सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी, तीन सर्कल की इक्वेशन। तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेंथ ऑफ द साइड अगर डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड करें तो इसकी लेंथ होगी वन। मींस जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू वन। तो अगर हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें, ए इसकी साइड है, तो जैसा कि हमें पता है कि रूट ओवर थ्री ए स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। आल्सो एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इज हाफ द बेस इनटू परपेंडिकुलर। तो अब ए की वैल्यू हमारे पास वन है, रूट थ्री इंटू वन होल स्क्वायर। अब बेस इसका क्या है, बेस भी वन है, बेस तो साइड ही होगी ना इसकी, इंटू पी। अब पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, रूट सॉरी यहां पे होता है रूट थ्री ओवर फोर, क्या होता है रूट थ्री ओवर फोर। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा रूट थ्री ओवर टू, क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। अब हमें थर्ड जो इसका वर्टेक्स है उसका वाई कोऑर्डिनेट तो हमें परपेंडिकुलर तो पता चल गया, वो आ गया रूट थ्री ओवर टू। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या आएगा इसका, मिड पॉइंट पे आएगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60-60 ईच एंगल, ये 60 एंगल हो गया। तो इसका बेस आप फाइंड कर सकते हो, इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, वन हो गया। हाइपोटेन्यूज हमारे पास वन आ गया और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है रूट थ्री ओवर टू। तो बेस कैसे फाइंड करेंगे हम, तो बेस फाइंड करने के लिए थीटा हमारे पास क्या है 60, तो कॉस 60 इज इक्वल टू बेस। ये जो हमने ये अगर इस ट्रायंगल का बेस फाइंड करना हो, इस ट्रायंगल का, सिर्फ इस ट्रायंगल का बेस फाइंड करना हो ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है वन, तो यहां पे हमारे पास रूट थ्री सॉरी कॉस 60 की वैल्यू ना, यहां पे कॉस 60 नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे इसका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है रूट थ्री ओवर टू, तो यहां पे हम क्या करेंगे टेन 60, तो टेन 60 क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास रूट थ्री ओवर टू, और बेस क्या है हमारे पास, बेस हमने फाइंड करना है इसका। तो टेन 60 रूट थ्री इज इक्वल टू वन ओवर टू बी, रूट थ्री ओवर टू बी। तो बी की वैल्यू जो बेस है इस ट्रायंगल का, छोटी ट्रायंगल का, वो क्या आ जाएगा वन बाय टू। मीन्स ये जो वाली लेंथ है वन बाय टू, ये वाली लेंथ वन है और ये वाली लेंथ वन बाय टू है, तो ये वाली लेंथ क्या होगी थ्री बाय टू। तो इट मीन्स ये जो थर्ड वर्टेक्स है उसका एब्सिस्सा क्या होगा थ्री बाय टू। ओके, तो अब हमें थर्ड वर्टेक्स पता चल गया। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इस लाइन को डायमीटर मान के हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है, वो हमारे पास आ जाएगी x माइनस वन होल स्क्वायर सॉरी x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस वाई माइनस जीरो इंटू वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, सॉरी होल स्क्वायर नहीं आएगा। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये वाली आ गई, इस इक्वेशन को डायमीटर मान के, डायमीटर मान के सर्कल ऑफ इक्वेशन, फिर उसके बाद इसको डायमीटर मान के सर्कल ऑफ इक्वेशन फाइंड करेंगे, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री बाय टू प्लस वाई माइनस जीरो इंटू वाई माइनस रूट थ्री ओवर टू इज इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद इसको डायमीटर मान के सर्कल ड्रा करेंगे,
तो उसकी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 3 बाय 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस वाई माइनस रूट 3 बाय 2 इंटू वाई माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, तीन सर्कल की इक्वेशन आ गई। नाउ इफ द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन रेस्पेक्टिवली, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन ए बी एज ए डायमीटर। ये हमने प्रूव करना है कि सर्कल की इक्वेशन ये वाली आ जाएगी ए बी को डायमीटर मान के। अब ए अगर हमारे पास x1 और y1 पॉइंट है और b x2 y2, अब जो एब्सिसा है इसके x1 x2 a और b के वो इसके रूट हैं और जो इसके ऑर्डिनेट्स हैं y1 एंड y2 वो इसके रूट्स हैं। तो अगर इस इक्वेशन की बात करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स क्या हैं x1 एंड x2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अगर इसके रूट हैं तो x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या होगी माइनस बी ओवर ए और x1 इंटू x2 की वैल्यू क्या होगी सी ओवर ए। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन हमारे पास गिवन है ए डैश वाई स्क्वायर बी डैश वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू जीरो, अब इसके रूट क्या है y1 एंड y2, तो इट मीन y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या होगी माइनस बी डैश ओवर ए डैश एंड y1 इंटू y2 की वैल्यू क्या होगी c डैश ओवर a डैश। अब हमें a और b की वैल्यू, a और b पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, तो अब क्या करना है हमने ए बी को डायमीटर मान के सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। नाउ सर्कल ऑफ इक्वेशन सॉरी इक्वेशन ऑफ सर्कल विद डायमीटर, डायमीटर उसका क्या हम मान लेंगे ए बी, तो क्या आ जाएगी x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू इंटू एक्स प्लस एक्स वन एक्स टू, सिमिलरली जब इसको सॉल्व करेंगे वो वाई में आ जाएगा। अब एक्स वन और एक्स प्लस एक्स टू की वैल्यू आप यहां से सब्स्टिट्यूट कर दोगे एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस बी ओवर ए इंटू एक्स प्लस सी ओवर ए, सिमिलरली यहां पे आप इन टर्म्स ऑफ वाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इज इक्वल टू जीरो। तो सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हूज रेडियस इज 5। हमने एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका रेडियस 5 है एंड टच इज एक्सटर्नली इस सर्कल को, ये जो गिवन सर्कल हमारे पास गिवन है इस सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है किस पॉइंट पे 5.5 पे। अब इसका ये सर्कल है ये वाला, तो इसका सेंटर हमारे पास आ जाएगा 1.2 और इसकी रेडियस क्या आ जाएगी इसकी आप इसको सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगी हमारे पास 5। तो 5 इसकी रेडियस है। अब ए इसके सेंटर को हमने ए लेट कर लेते हैं और इसके सेंटर को हम बी लेट कर लेते हैं, पी हमने जो पॉइंट जिसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो पी क्या होगा इन दो ए इस ए बी का क्या होगा मिड पॉइंट। अब इस एच कॉमा के को हम लेट कर लेंगे इसके सेंटर को, लेट सेंटर एच कॉमा के बी द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, सो पी विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी मीन्स एच प्लस 1/2 प्लस के प्लस 2/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी पी पॉइंट 5.5। तो यहां से हमारे पास एच की वैल्यू 9 और के की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 और रेडियस हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल का 5 है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी x माइनस 9 होल स्क्वायर वाई माइनस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 होल स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टच इज दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और उसका सेंटर क्या है -2,3 मीन्स इसका जो सेंटर है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब -2,3 इसका सेंटर है, -2 मीन्स ये वाली वैल्यू -2 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी वाई की वैल्यू 3, तो इट मीन्स ये जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है -2,3 और रेडियस क्या है 3, तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी x-2 प्लस y-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज बोथ द एक्सिस, विच टचेज बोथ द एक्सिस एंड द लाइन 3x-4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, जैसा कि हमने पहले किया अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो उसका रेडियस क्या होगा के, अगर एच के सेंटर है तो उसका रेडियस क्या होगा के, अगर कोई सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका जो रेडियस है वो क्या आएगा एच, लेकिन अगर कोई सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा तो एच, और क्योंकि ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो सेंटर क्या होगा r, मीन्स h, उसका सेंटर होगा और h क्या होगी उसकी रेडियस। नाउ यहां पे हमें गिवन है कि ये जो सर्कल है दोनों एक्सिस को टच कर रहा है एंड इस लाइन को भी टच कर रहा है, आल्सो लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब क्योंकि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो एच और के सेम होगा और दूसरी बात थर्ड में है तो एच, तो हमारा जो एच के है पहली बात तो सेम है और दूसरा ही नेगेटिव होगा, तो यहां पे जो रेडियस हमारे पास होगा तो इसके हमारे पास सेंटर क्या होगा -a,a। आल्सो अगर रेडियस की बात करें, क्योंकि ये जो सर्कल है इस लाइन को भी टच कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर जब ड्रा करेंगे इस पॉइंट से इस लाइन पे तो वो परपेंडिकुलर क्या होगा रेडियस। अब इसका रेडियस हमारे पास क्या है ए, हमारे पास क्या आएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ए रेडियस भी है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम -a टू दिस लाइन, तो यहां से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब इसका मतलब सेंटर क्या हो गया सर्कल का -2,-2 और रेडियस क्या आ जाएगा 2। सो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी x+2 होल स्क्वायर y+2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर।